हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गुरु जी वाडिया सर। चलिए बच्चों, कैसे हो आप सर? पहले तो अच्छा, ये आपके क्लास 10 CBSE लाइट हम पढ़ रहे हैं। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं बता दूं, लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, उसके 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ, ये उसका 4th लेक्चर है। अच्छा एक बात और, जिन बच्चों ने इसका पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है, जो लेक्चर 3rd है वो नहीं देखा है, वो सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले उसे देखिए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक ये समझ नहीं आएगा। सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चन होंगे सारे वो यहीं से बनने वाले हैं, ये ध्यान रहे। अच्छा, इसके पहले जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा हो पाए। तो आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर्स की। जो बच्चे नए हैं उन्हें मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, क्योंकि अपना लेक्चर 4th है सीबीएसई के लिए, क्लास 10th बेस। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें जो बच्चे नए हैं, तो हमने इसके पहले वाले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर से हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था। हमारे पास 2 तरह के स्पेरिकल मिरर्स है, कौन कौन से? कॉन्वेक्स और कॉन्केव। 2 तरह के हमारे पास मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉन्केव। जो नए बच्चे हैं उन्हें मैं बता दूं, स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ अ स्पीयर। ये एक स्पीयर का पार्ट होता है, जैसा कि मान के चलो ये मेरे पास स्पेरिकल मिरर है, तो जो अंदर वाली सरफेस होती है ये हमारी कॉन्केव सरफेस होती है, और जो बाहर वाली सरफेस होती है मेरी, ये मेरी कॉन्वेक्स सरफेस होती है। कॉन्वेक्स सरफेस को हमने कहा था डाइवर्जिंग सरफेस। ऐसी सरफेस हमने इसको कहा था डाइवर्जिंग, क्योंकि ये रेज को डाइवर्ट करती है। और कॉन्केव सरफेस जो है ये हमारी कन्वर्जिंग सरफेस होती है, क्योंकि ये रेज को इकट्ठा करती है, कन्वर्ट करती है, ठीक है। जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ट करेगी उसे फोकस नाम दिया था हमने। इसके लिए हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। एक चीज आपको ध्यान रखना, नॉर्मली हम एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में, ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। अब वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, सिंपल भाषा में अगर हम बोले, जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, जो मिरर के पीछे होती है वो वर्चुअल इमेज होती है, जो मिरर के पीछे होती है वो वर्चुअल इमेज बनती है। बट ये जो वर्चुअल बनाता है ये स्मॉल होती है, साइज में डिमिनिश्ड होती है, यानी कि हमेशा छोटी इमेज बनाएगा वर्चुअल। अच्छा, हमारा प्लेन मिरर जो था वो कुछ इस तरह से था, प्लेन मिरर, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, दिस इज आल्सो फॉर्म वर्चुअल इमेज, बट ये सेम साइज की बनाता है, ध्यान रखना, ये भी वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम साइज की बनाता है। और हमारा कॉनकेव ये रियल भी बना सकता है और वर्चुअल भी बना सकता है, ये दोनों तरह की इमेज बना सकता है, लेकिन जब ये वर्चुअल बनाएगा तो हमेशा लार्ज बनाएगा, यानी कि बड़ी इमेज बनाएगा। तो ये तीनों में डिफरेंस हमें ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स भी वर्चुअल इमेज बना सकता है, वर्चुअल का मतलब है सीधी इमेज। अभी मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक और बात ध्यान रखना, हमारा जो प्लेन मिरर होता है इसका फील्ड ऑफ व्यू एरिया जो होता है वो इस तरह से दिया जाता है। फील्ड व्यू एरिया यानी कि ये वो वाला एरिया होता है जहां पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मुझे प्लेन मिरर में दिखाई देगा। तो हमारा कन्वर्ट कॉन्केव उसके मिरर का फील्ड व्यू एरिया कम होता है, कॉन्वेक्स का ज्यादा होता है, अभी बताऊंगा आपको मैं आगे। सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन हमने पढ़ा था वो मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ, ये जितनी जल्दी आपको याद हो जाए उतना बढ़िया है। जब अब देखो, याद रखने की सिंपल सी ट्रिक, सिंपल सी ट्रिक क्या है, इनफाइनाइट से शुरू करना है हमें। इनफाइनाइट पर है तो इमेज कहाँ बनती है, फोकस में, क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, इनफाइनाइट से आने वाली रेस फोकस से पास होगी। याद करो 3rd लेक्चर में पढ़ा था, इन्फिनिटी से आने वाली रेस कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है, तो इन्फिनिट से आएगी तो फोकस पे पास होगी। अच्छा, ये हाईली डिमिनिश्ड होती है, मतलब पॉइंट साइज होती है, रियल होती है, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ध्यान रखना, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, मतलब उल्टी बनती है। अभी दिखाऊंगा आपको किस तरह से बनती है। इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे, अब इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आए, आगे आए तो बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी है तो हम एफ से भी थोड़ा आगे आएंगे,
हमने क्या देखा था, अगर हम इस तरफ बढ़ते हैं तो इमेज इस तरफ बढ़ती है, तो हम इन्फिनिटी से आगे आ रहे हैं तो इमेज एफ से आगे आएगी, तो एफ और सी के बीच आ गई। थोड़ा हम बढ़े थोड़ा इमेज बढ़ेगी, डिमिनिश्ड, अभी छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, रियल इन्वर्टेड। फिर हम आ गए सी पर, इमेज भी आ गई सी पर, सेम साइज, रियल। फिर हम आ गए सी और एफ के बीच, अब देखो यहाँ पर ये वाला स्टेप आ गया, अब देखो यही चीज यहाँ रिपीट होगी, इसको यहाँ ले आया तो ये वाली चीज यहाँ आ गई। छोटी पॉइंट साइज, उससे थोड़ी बड़ी, सेम साइज, लार्ज हो जाएगी, हाईली एनलार्ज्ड, रियल रियल रियल। देखो सबसे छोटी बनेगी, फिर डिमिनिश्ड मतलब थोड़ी, उससे थोड़ी सी लार्ज बनेगी लेकिन छोटी रहेगी ऑब्जेक्ट से, सेम साइज, फिर बड़ी और बड़ी। अब देखो ये एफ यहाँ आया तो इन्फिनिटी यहाँ आ गया। ये टेबल बनाना जितना जल्दी आप सीख जाओ ना उतना बढ़िया, आपके बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इस टेबल से। इस टेबल को जितना जल्दी आप याद रख लोगे ना बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन आपके फिंगर टिप्स पे हो जाएंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए हैं। मैं करवाने वाला हूँ क्वेश्चन भी, अगर आपको टेबल आती है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन करोगे। और ये लास्ट वाला बनता है जिसमें वर्चुअल होता है हमारा, वर्चुअल और एनलार्ज, जब हमारा इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, जब हम पी और एफ के बीच होते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट इमेज बनती है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो रियल में ये पांच केस होते हैं जब रियल बनेगी, पहले वाले दो और लास्ट वाले दो। पहले दो याद रख लो कि लास्ट वाले दो उसका इन्वर्ट करना है आपको, जिसमें लास्ट वाले दो कंडीशन आपकी आ जाएगी। सिंपल सा स्टेप है साइज ऑफ इमेज को याद रखने का, रियल वाला, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। जितना जल्दी आप इस टेबल को याद कर लोगे उतना जल्दी आपके काम हो जाएगा। ऐसे ही देखो कॉन्वेक्स के लिए, ये कॉन्केव के लिए थी, ये सारी मिरर जो थी ये कॉन्केव के लिए है, और ये सारी जो है वो कॉन्वेक्स के लिए। कॉन्वेक्स में दो ही कंडीशन होती है, अच्छा ये हमेशा वर्चुअल बनाती है, ये रियल भी बना सकती है वर्चुअल भी बना सकती है, ये दोनों ये हमेशा वर्चुअल बनाएगा कॉन्वेक्स। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड छोटी बनेगी, ये पॉइंट साइज रहेगी, जब इन्फिनिटी पर है तो फोकस पे बनेगी, पर बिहाइंड द मिरर बनेगी। इन्फिनिटी और पोल के बीच में है तो पी और एफ के बीच बनती है, डिमिनिश बनती है। ये तो छोटा सा है, इसको आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये टेबल सीबीएसई बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपका कोई भी क्वेश्चन होने वाला नहीं है। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर ये टेबल बनानी आपको आती है तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड जो आप नहीं कर सकते। बिना फॉर्मूले के भी मैं आंसर बता सकता हूँ अगर मुझे ये टेबल आती है तो। ठीक है, तो ये टेबल आपको जितना जल्दी याद हो जाएगी, न्यूमेरिकल आपके उतने स्पीड में होंगे, उतने जल्दी आपके न्यूमेरिकल होंगे। इस टेबल को जितना जल्दी आप याद कर लो उतना बढ़िया है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो मैं कुछ डिफरेंस बताता हूँ। सबसे पहले प्लेन मिरर, तीनों में क्या डिफरेंस हमें दिखाई देता है, देखो तीनों मिरर, तीनों इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है, या अब देखो प्लेन मिरर में भी आपको सीधी, ये एक ही चीज की इमेज है, एक ही चीज की इमेज है ये। अब देखो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये चीज जो आपको दिखाई दे रही है छोटी दिखाई दे रही है और सीधी बनी हुई है, इरेक्ट है, सीधा है। देखो यहाँ पर यही चीज है लेकिन इससे, इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी लार्ज है या नहीं, आप कंपेयर करो, खुद कंपेयर करो, मेरे कहने पर नहीं, आप खुद कंपेयर करो। ये चीज छोटी है, ये वही चीज है लेकिन थोड़ी सी लार्ज होगी। तो प्लेन मिरर वैसा ही दिखाएगा जैसा आप हैं, तो ये एक्चुअल साइज की इमेज दिखाता है, और ये थोड़ा सा कर्व्ड मिरर दिख रही होगी आपको, थोड़ी कर्व भी दिख रही होगी। देखो यहाँ से ये कर्व है, ये कर्व है, तो ये कर्व्ड मिरर है, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, देखो ये प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर में हमेशा ध्यान रहे सेम साइज की इमेज बनती है, ध्यान रखना ये हमेशा सेम साइज की इमेज बनाएगा और हमेशा सीधी इमेज बनाएगा। ये छोटी इमेज बनाता है और सीधी बनाता है, ये उल्टी इमेज बनाता है, उल्टी का मतलब इन्वर्टेड है, और उल्टी इमेज है तो ये वर्चुअल होती है। ठीक है, रियल भी हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा, रियल भी हो सकती है, रियल वर्चुअल दोनों बनाता है, पर जब उल्टी बन रही है, अब देखो यहाँ पर ये चीज इन्वर्टेड है तो ये रियल इमेज है, ऐसी इमेज है रियल है क्योंकि इन्वर्टेड है, तो ये रियल भी बनाता है वर्चुअल, लेकिन जब भी ये सीधी इमेज बनाएगा तब एनलार्ज बनाएगा। ये तीनों में डिफरेंस है, ये
तीनों इमेजेस में डिफरेंस है, मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले से मान के चलो ये एक आदमी है, ये अब मुझसे पूछ रहा था बताओ ये कौन सा मिरर यूज कर रहा होगा। हमारे सामने क्वेश्चन है, हम मिरर के सामने खड़े हुए, हमें मिरर पता नहीं है। अब ये क्वेश्चन आपको बहुत, मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मैं पूछता हूँ एक आदमी है, एक मिरर के सामने वो खड़ा हुआ है, अब उसको कुछ ऐसे ऐसा फेस दिखाई दे रहा है मिरर में देखने का। अब मैं पूछता हूँ क्या ये कौन सा मिरर है। सबसे पहला मेरा आंसर होगा क्या ये, मैं सबसे पहले चेक करता हूँ, इज इट प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, बताओ कौन सा मिरर। प्लेन है क्या भैया? प्लेन होगा तो सेम साइज की इमेज बनेगी, इतना बड़ा फेस थोड़ी है इस बंदे का। तो मुझे पता है इमेज बड़ी बन रही है और सीधी बन रही है। देखो सीधा फेस दिखाई दे रहा है उसे, सीधा फेस है मतलब वर्चुअल है, सीधा इमेज दिखाई दे रही है मतलब वर्चुअल है। हमने कहा वर्चुअल तो तीनों बनाती है, लेकिन प्लेन तो हमेशा सेम साइज की बनाएगी, और यहाँ तो नहीं है, इमेज साफ साफ दिख रहा है, इतना बड़ा फेस थोड़ी है उसका, इसका मतलब प्लेन मिरर तो ये नहीं है। चलो कॉन्वेक्स है क्या? नहीं, कॉन्वेक्स तो छोटी इमेज बनाता है हमेशा, वो तो छोटा कर देगा फेस को, तो कॉन्वेक्स भी नहीं है, तो बचा कौन? तो ये भाई साहब कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है ये? तो हमें समझ में आ गया कि ये मिरर जो सामने मेरे है वो कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। अच्छा कॉनकेव में भी ये कौन सी इमेज दे रहा है? कॉनकेव में ये वर्चुअल इमेज दे रहा है, क्योंकि बड़ी इमेज है वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेज कहाँ से बनती है? जब हम बिटवीन पी एंड एफ होंगे, अरे तभी तो वर्चुअल बनती, अदरवाइज तो वर्चुअल बनती ही नहीं। तो इसका मतलब अभी हम इस मिरर के पोल और फोकस के बीच में खड़े हुए हैं, इसलिए ऐसा फेस हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आया? बात समझ में आई? पक्की बात? ये चीज हमें ध्यान रखनी है। चलो आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया पहला वाला केस के भैया बच्चा, अब दूसरा केस बात करते। देखो सामने वाले बंदे को देखो, अब अगेन हम मिरर के सामने खड़े हैं, लेकिन मिरर में जो इमेज दिखाई दे रही है वो उल्टी दिखाई दे रही है। वो कैसे दिखाई दे रही है? उल्टी है, दिख रहा है साफ साफ। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि ये कौन सा मिरर है, कौन सी, क्योंकि इमेज उल्टी है मतलब ये रियल इमेज है, और रियल इमेज एक ही मिरर बना सकता है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कौन के, कौन सा मिरर है ये, कौन के। देखो बड़ी है थोड़ी सी, लार्ज है साइज में, देख लो आप साइज में थोड़ी सी बड़ी है। अब इसका मतलब हम कहाँ पर हैं? एनलार्ज इमेज बन रही है तो हम कहाँ पर हैं? सी और एफ के बीच। अरे भाई सी और एफ के बीच बड़ी बनती है इमेज, एफ पर लाओगे तो इन्फाइनेटिवली लार्ज बनती है, सी और एफ के बीच में है अभी हम यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखो। तो हमें मिरर पहचानने में आने चाहिए, अगर हम कहीं भी जा रहे हैं नॉर्मली, अगर हमें कोई मिरर दिख जाता है तो हमें पहचानने में आना चाहिए कि वो मिरर है कौन सा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखो बताओ ये कौन सा मिरर हो सकता है, मैं आपसे पूछता हूँ ये कौन सा मिरर हो सकता है जो आपके सामने है। देखो सबसे पहले चीज देखो, रियलिटी में हमें यहाँ पर जो इमेज दिखाई दे रही है वो कैसे दिखाई दे रही है, मैं आपसे पूछता हूँ। क्या ये प्लेन है? नहीं, प्लेन तो नहीं हो सकता, प्लेन तो नहीं हो सकता ना, प्लेन तो गया। अब बचा कॉन्वेक्स और कॉनकेव, क्योंकि ये तो मुझे पता है स्फेरिकल है, सीधी इमेज बन रही है। पहली बात तो हमें जो इमेज दिखाई दे रही है वो सीधी बन रही है। अगर कॉन्वेक्स होता तो सीधी बनाता, जब जब सीधी इमेज बनेगी कॉन्वेक्स और कॉनकेव में चेंज हो, चेक करो। कॉनकेव होगा तो बड़ी इमेज बनाया, ये बड़ी है क्या? रियलिटी में बस इतनी छोटी थोड़ी होती है यार, अरे छोटी इमेज बनाई ना उसने, तो ध्यान रखना ये छोटी इमेज है, स्मॉल है साइज में। तो ये कौन सा मिरर हुआ? कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव होता तो बड़ी इमेज बनाता, जैसे कि यहाँ बनी थी। देखो ये ऐसी इमेज बननी चाहिए थी, अगर कॉनकेव होता तो ऐसी इमेज बनती, हमें बस बहुत बड़ी दिखाई देती। ऐसा थोड़ी है बस तो छोटी सी दिखाई दे रही है, इतनी छोटी बस थोड़ी होती है, बस तो बहुत बड़ी होती है। तो छोटी है इसका मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। रोड पर लगाया जाता है ये, रोड्स पर जहाँ पर शार्प टर्न होते हैं वहां पर ये मिरर लगाया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। इससे क्या होता है, आने वाला ट्रैफिक दिख जाता है, जैसे हमारे साइड मिरर होते हैं वो भी यही होता है, जिससे हमें पीछे की चीजें छोटी छोटी दिखाई देती है। फिर आगे बात करेंगे उसके बारे में। चलो ये मिरर बताओ कौन सा मिरर है, प्लेन है क्या? नहीं, प्लेन तो नहीं है क्योंकि कर्व आ रहा है, प्लेन तो नहीं है क्योंकि कर्व आ रहा है, ठीक है,
ये प्लेन मिरर तो नहीं है। अब बताओ सीधी इमेज बन रही है मतलब कॉन्वेक्स कॉनकेव में से कोई एक होगा, कॉनकेव होता तो बड़ी इमेज होती, तो ये भी यहाँ पर मेरा ये कॉन्वेक्स मिरर है क्योंकि ये स्मॉल इमेज बना रहा है, समझ रहे हो। चलो ये देखो स्पून है, ये स्पून का आउटर साइड है और ये इनर साइड है। इनर साइड जो होता है मेरा वो कॉनकेव होता है और ये मेरा कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चाहो तो चेक करके देख लेना, आप स्पून को यूज करके देख लेना सर। अब ये चीज मैंने आपको क्यों सिखाई, मैंने आपको अलग अलग तरह की इमेज में डिफरेंस करना सिखाया। अब नॉर्मली आप इसको खेल सकते हो, इसके साथ आप देख सकते हो खुद करके, आप इसको देख सकते हो अलग अलग मिरर्स में अपने आप को देख, आपको खुद को डिफरेंस पता लगेगा। मिरर को दूर ले जाके देखो, पास लाके देखो, आपको डिफरेंस पता लगेगा, तभी तो सीखोगे यार। अरे करोगे तभी तो सीखोगे। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में हमें दिखाई देते हैं, हमें पहचानने में आना चाहिए कि यार ये कौन सा मिरर है, तभी तो मजा आएगा पढ़ने का। तो इस चीजों से, इस एग्जाम्पल से मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा इमेज में डिफरेंस करना आपको आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो स्टूडियो को आप दोबारा देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें। चलिए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर रियल इमेज भी दे सकता है, रियल और एनलार्ज इमेज भी दे सकता है जब सी और एफ के बीच में हो। सेम साइज की इमेज दे सकता है जब सी पर हो। स्मॉल इमेज देगा रियल, रियल का मतलब है उल्टी, ये सारी इमेजेस जो हैं ये ध्यान रखना ये उल्टी है, इन्वर्टेड बनती है ये जब हम सी के पीछे हो। और हम सीधी इमेज भी दे सकते हैं डायरेक्ट जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, ये बात हमें ध्यान रखनी है। जितना जल्दी याद हो जाएगा उतना बढ़िया है, ये टेबल से आती है चीज, ये मैंने टेबल से लिखी है। अब देखो सबसे पहला यूज जो मेन का होता है मिरर का होता है कॉनकेव मिरर, वो यूज किया जाता है अच्छा ये यूज सीबीएसई में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले यूज किया जाता है शेविंग मिरर में और मेकअप मिरर, जो मेकअप करने के लिए और शेविंग करने के लिए जो मिरर हम यूज करते हैं, यूज किया होगा आपने शेविंग करने के लिए जो मिरर यूज किया जाता है, या मेकअप लड़कियां जो होती हैं जो मेकअप करती हैं, मेकअप के लिए जो मिरर यूज करती हैं, दिखने वो आपको ऐसा लगता होगा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर नहीं है वो प्लेन मिरर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल मिरर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका काम होता है आपके फेस, आपकी जो बॉडी होती है मतलब जो आपका फेस है उसको बढ़ा देता है, साइज को बढ़ा देता है, जिससे आप अच्छे से मेकअप कर पाते हो। तो वो पहली बात तो आपका सीधा फेस दिखाता है, उल्टा फेस थोड़ी दिखाता है। अब मैंने क्यों कहा, क्योंकि कॉनकेव है। अब ध्यान रखना कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये सीधी इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, ध्यान रखना कॉनकेव मिरर सीधी इमेज बनाता है और बड़ी इमेज बनाता है, फेस की लार्ज इमेज दिखाई देती है, जिससे हम इजीली, जैसे भी यहाँ पर देखो रियलिटी में इसको थोड़ा सा लार्ज फेस दिखता है तो अच्छे से मेकअप होता है या अच्छे से बियर्ड शेव कर पाते हैं या शेविंग कर पाते हैं, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर यूज करने का रीजन ये होता है क्योंकि ये एनलार्ज इमेज देती है। अच्छा इसको यूज करने का एक स्पेशल तरीका होगा, इसका मतलब तो इसका मतलब इसको यूज करने का एक स्पेशल तरीका होगा हाँ, लेकिन इसकी फोकल लेंथ जो होती है ना बहुत ज्यादा होती है, ध्यान रखना फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है इसकी, कॉनकेव होता है लेकिन इसकी जो एफ होती है वो काफी लार्ज रखी जाती है। अच्छा प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होती है? प्लेन मिरर की इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना प्लेन मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो इनफाइनाइट कैसी होती है? इनफाइनाइट अनंत होती है, ठीक है। तो इसकी फोकल लेंथ थोड़ी लार्ज रखी जाती है, इसलिए आपको कुछ ज्यादा चेंज फील नहीं होता। आसपास दूर ले जाकर देखोगे तो आपको जैसे कुछ ज्यादा चेंज फील नहीं होगा, पर आपको प्लेन की तरह ये दिखाई देता है। बट रियलिटी में इट्स अ कॉनकेव मिरर ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, ध्यान रखना शेविंग मिरर और मेकअप, तो जब भी आप शेविंग मिरर और मेकअप मिरर को देखो इस चीज को ध्यान रखना कि भैया ये दिखता प्लेन है पर होता प्लेन नहीं है। चाहो तो आप इसको चेक करके देख सकते हो, दूर ले जाकर और पास ले जाकर देखो, आपको अपनी इमेज की साइज में डिफरेंस दिखेगा, ट्राई करके देखो स्पॉट दिखेगा। तो पहला यूज हमें ध्यान रखना है कि प्लेन मिरर को हम कहाँ यूज करते हैं, शेविंग मिरर में और मेकअप मिरर में, इसमें हम प्लेन मिरर को यूज करते हैं। दूसरा यूज हमारा प्लेन मिरर का होता है डेंटिस्ट,
देखो प्लेन मिरर की सबसे अच्छी खास बात, सॉरी कॉनकेव मिरर की सबसे अच्छी खास बात क्या है, बड़ी इमेज देता है, सीधी इमेज देता है और बड़ी इमेज देता है। इसके अलावा कोई भी मिरर हमें लार्ज इमेज नहीं देता। तो डेंटिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा काम है ना, डेंटिस्ट को दांतों में कैविटी देखनी होती है, दांतों की लार्ज इमेज देखनी होती है, तो इसी को यूज करते हैं। अच्छा, इसको यूज करने का एक स्पेशल तरीका होता है। ये एनलार्ज इमेज तभी देगा जब हम एफ और पी के बीच होंगे, अदरवाइज नहीं देगा। तो फोकल लेंथ की रेंज में हमें होना पड़ता है। तो यहाँ पर डेंटिस्ट जो होता है वो भी इसी को यूज करता है। तो जो डेंटिस्ट होता है और जो ईएनटी डॉक्टर होता है, आईज नोज एंड थ्रॉट, ये जो डॉक्टर होते हैं ये भी कॉनकेव मिरर को यूज करते हैं लार्ज इमेज देखने के लिए। जिससे क्या होता है उनको इलाज करने में, ट्रीटमेंट करने में इजी होता है। तो डेंटिस्ट, अब ध्यान से रखना, दो यूज मैंने बताया। सबसे पहला यूज कहाँ, सबसे पहला कॉनकेव मिरर को कहाँ यूज करते हैं, सबसे पहले तो हम यूज करते हैं इसको शेविंग मिरर में। दूसरा यूज हम इसे कहाँ करते हैं, डेंटिस्ट इसे यूज करता है बड़ी इमेज देखने के। अच्छा ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर का फील्ड व्यू एरिया जो होता है ये स्मॉल होता है। इसका मतलब आप इससे ज्यादा एरिया नहीं देख सकते, ये कम एरिया दिखाता है, इसका फील्ड व्यू एरिया कम होता है, यानी कि ज्यादा एरिया ये नहीं दिखाता, लिमिटेड एरिया दिखाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो दो यूज आपको ध्यान रखना है। शेविंग मिरर में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर। डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। ऐसा क्यों क्यों, क्योंकि उन्हें बड़ी इमेज देखनी होती है। हमारे पास जो शेविंग मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ काफी लार्ज रखी जाती है, इस वजह से हमें डिफरेंस पता नहीं लग पाता, इमेज में फील नहीं होता बट चेंज होता है, क्योंकि फोकल लेंथ काफी लार्ज होती है, इसलिए वो प्लेनर की तरह हमें दिखाई देता है, पर रियलिटी में वो प्लेनर नहीं होता, कॉनकेव होता है। ठीक है, दो बातें याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं। तीसरा हमारा होता है टॉर्च में। वैसा भी आपकी टॉर्च है, टॉर्च के अंदर आपने इस तरह का एक सिल्वर रिफ्लेक्टर देखा होगा, ये रहा, ये अंदर का जो सिल्वर रिफ्लेक्टर होता है, ये सिल्वर पॉलिश जो रिफ्लेक्टर होता है, ये भी कॉनकेव होता है। कॉनकेव का मतलब ये कुछ इस तरह का होता है, समझ रहे हो, ये इस तरह का रिफ्लेक्टर होता है, यहाँ पर हमारा ये बल्ब लगा हुआ होता है। इस रिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, ये रिफ्लेक्टर क्या करता है, मोस्ट प्रोबेबली लाइट को इकट्ठा करता है, मतलब यहाँ से जो भी लाइट जाएगी ना उसको इकट्ठा करता है, ये कहाँ पे, फोकस पे। तो इससे क्या होता है, हमें पैरेलल बीम मिलती है, मतलब हमारी लाइट जो है वो दूर तक जा पाती है। हमारी जो टॉर्च होती है, टॉर्च का काम क्या होता है, लाइट को दूर गिराना। अगर हम नॉर्मली बल्ब को जला देंगे तो वो आसपास लाइट को बिखेर देगा। जैसे मैं एक बल्ब जलाता हूँ, समझो यहाँ पर, जैसे मान के लो मैंने ये बल्ब चलाया, तो ये इस तरह से आसपास लाइट को बिखेर देगा सब तरफ। मैं नहीं चाहता ना टॉर्च की लाइट इस तरह से फैले, मैं चाहता हूँ टॉर्च की लाइट दूर तक जाए, तो उसके लिए उसको इकट्ठा करना पड़ेगा ना, इस सारी लाइट को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस तरह का मिरर लगा देते हैं, तो ये लाइट इकट्ठी हो जाती है इस तरह से, जिससे हमें एक पैरेलल बीम मिलती है, इस तरह की एक बीम मिलती है, जिससे हमारी लाइट दूर तक जा पाती है। इसे रिफ्लेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्टर। तो टॉर्च लाइट में भी आप अब जो सोचो, कॉनकेव मिरर जो आपने आज पढ़ा है या बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, शायद इतने डिटेल में तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपने सोचा भी होगा उसको हम इतनी जगह यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में, तो रिफ्लेक्टर में उसे यूज करते हैं। चाहो तो निकाल के देख लेना, खराब टॉर्च अगर आपका पड़ी होती है आपको मिलेगा, तो रिफ्लेक्टर के तौर पर इसे यूज कर। अच्छा, सिल्वर पॉलिश की जाती है अंदर नॉस पर, हर रिफ्लेक्टर सिल्वर कलर का ही होता है, क्योंकि सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, सिल्वर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए हम सिल्वर को यूज करते हैं। ध्यान रखना, कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वो कन्वर्ट करता है रेस को, जिससे हमें पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलती है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाई वी यूज टॉर्च कॉनकेव मिरर इन टॉर्च लाइट एज रिफ्लेक्टर, तो आपको आंसर ये लिखना है जो मैंने लिखा है, कि जो नीचे मैं लाइन लिख रहा हूँ ना, रीजन, ये आपको तब लिखना है जब आपको ऐसा पूछा जाए, क्योंकि बहुत बार सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछ लेती है, तो हमें उसका आंसर आना चाहिए। तो यही आपका आंसर है जो मैंने लिखा है, अगर आपसे पूछा जाता है तो तीन यूज हो गए। डेंटिस्ट यूज करता है भाई साहब दांतों की, टीथ की लार्ज इमेज देखने के लिए। शेविंग मिरर में यूज करते हैं साहब, क्योंकि हमें हमारी लार्ज इमेज देखनी होती है। थर्ड,
रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है टॉर्च में। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हमारी कार में भी तो लाइट्स होती हैं, कार में भी तो देखा जाए तो आपको सिल्वर कलर का इस तरह का आपको ये देखो कार की देखो बाइक की देखो, यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर के तौर पर आप इसे यूज करते हो ताकि जो लाइट है वो दूर तक जा पाए। रिफ्लेक्टर के तौर पर यूज किया जाता है ताकि जो लाइट है वो दूर तक जा पाए। तो हेडलाइट में भी आप इसे यूज करते हो, कार की बाइक की हेडलाइट में भी इसे यूज किया जाता है अंदर की तरफ रिफ्लेक्टर के तौर पर। चाहो तो खराब हेडलाइट हो तो आप देख सकते हो, ये चीज कार में दिख जाएगी आपको, बाइक में दिख जाएगी, ताकि हमारी लाइट जो है वो दूर तक जा पाए, ज्यादा डिस्टेंस तक जा पाए। क्योंकि अगर नॉर्मली आप बिना रिफ्लेक्टर के लगाओगे तो लाइट वहीं फैल के रह जाएगी, जैसा कि आपके रूम में होता है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टर लगा दोगे तो लाइट दूर तक जाएगी, तो डिस्टेंस बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, यूज है इस वजह से किया जाता है। चलो अच्छा, सोलर रेडिएटर में ये देखो हमारे फर्नेंस होते हैं, सोलर फर्नेंस और डिश। सोलर फर्नेंस क्या होता है, ये काफी सारे सिल्वर पैनल होते हैं। अब जो सनलाइट आती है ना इस तरह से, ये सारी सनलाइट को कन्वर्ट करता यहाँ पे, और यहाँ पर हमारा डिवाइस होता है, जनरेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। सोचो कितना अच्छा यूज है इसका। और ये कहाँ रखा जाता है, ये जो सरफेस बनाई है ना इसका फोकस है, ये जो सरफेस बनाई है उसका फोकस है। तो फोकस पे हमारा डिवाइस रहता है जो एनर्जी को कन्वर्ट करेगा, ये कन्वर्टर होता है जनरल। तो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए सोलर फर्नेस से कहा जाता है। हमारी डिश टीवी भी इसी पे काम करती है। डिश टीवी भी हमारी ऐसी होती है, यहाँ पर एक माइक लगा हुआ होता है। ये माइक कहाँ प्लेस करते हैं भाई साहब, फोकस पे। लाइट रेज आई, रेडिएशन आई, यहाँ जाती है सारी, जिससे हमें सिग्नल मिलता है और हमारी टीवी चलती है। वो भी यही कंसेप्ट है सारा। सोचो कॉनकेव मिरर को आप कहाँ कहाँ यूज करते थे, ये ध्यान रखना, ये यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत बार पूछे जाते हैं इनके ऊपर क्वेश्चन। तो सोलर फर्नेस एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम सनलाइट के थ्रू एनर्जी कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, उसे सोलर फर्नेस कहा जाता है। अब इस एनर्जी को हम बॉइलिंग में काम में ले सकते हैं, मुझे वाटर बॉइल करना है तो मैं उसमें काम में ले सकता हूँ इस एनर्जी को, जो सन से मुझे एनर्जी मिली है उसे मैं दूसरे पर्पज में यूज कर सकता हूँ, बॉइलिंग में या दूसरे पर्पज, जो भी मेरा काम होगा। हीट को यूज किया जा सकता है, कुकिंग में इसे यूज किया जा सकता है, और भी बहुत सारी चीजों में इसे यूज किया जा सकता है। इसे हम कहते हैं सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में हम इसे यूज करते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा छोटी इमेज देता है और सीधी इमेज देता है। सीधी इमेज देगा लेकिन छोटी देगा। जैसे कि देखो हमारे साइड ग्लास, हमारी कार में जो साइड ग्लास होते हैं वो छोटी इमेज देते हैं। ये जो इमेज हमें मिलाई मिलती है ये छोटी होती है साइज में, और सीधी इमेज होती है मतलब डिमिनिश्ड होती है और वर्चुअल होती है, इरेक्ट वर्चुअल। अच्छा इसका एक और रीजन भी होता है, ज्यादा एरिया दिखाता है ये, ज्यादा एरिया का मतलब इसका फील्ड व्यू एरिया ज्यादा होता है। तो मैं बहुत देखो इतने से मिरर में इतना सारा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, देखो छोटा सा मिरर है उसमें कितना सारा एरिया आपको दिखाई देता है। अच्छा आपने एक और सुना होगा ब्लाइंड स्पॉट मिरर, यहाँ पर एक ब्लाइंड स्पॉट मिरर भी लगाया, वो भी कॉन्वेक्स मिरर ही होता है, वो भी कॉन्वेक्स, लेकिन उसकी फोकल लेंथ इसके कंपैरिजन में कम होती है। देखो फोकल लेंथ को कम कर दोगे ना तो एरिया बढ़ जाएगा, ध्यान रखना। अगर हमें ज्यादा एरिया देखना है तो जितना छोटा मिरर लोगे उतना ज्यादा एरिया देख पाओगे, इसलिए ब्लाइंड स्पॉट मिरर का यही काम होता है। जो रीजन ये नहीं दिखा पाता वो ब्लाइंड स्पॉट दिखा रहता है। एक छोटा सा मिरर होता है ब्लाइंड स्पॉट मिरर, इसकी फोकल लेंथ कम होती है, फोकल लेंथ कम करने से एरिया बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना, लेकिन एक लिमिट तक ही हम ये काम कर सकते हैं। तो साइड ग्लास में आप इसे यूज करते हो, ध्यान रखना, जो हमारे साइड ग्लास होता है। अच्छा जो हमारा फ्रंट ग्लास होता है, रियर व्यू मिरर, इसमें भी ये भी कॉन्वेक्स ही होता है, ये भी रियल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है और डिमिनिश इमेज बनाता है, ये भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। रीजन ज्यादा एरिया दिखाता है, छोटा सा मिरर देखो कितना सारा एरिया दिखा रहा है पीछे का, छोटा सा मिरर है कितना सारा एरिया दिखा रहा है पीछे का, प्लेन मिरर इतना एरिया नहीं दिखाएगा, प्लेन मिरर इतना एरिया नहीं दिखा सकता, प्लेन मिरर तो उतना ही दिखाएगा जितना उसमें आ सकता है, बाकी सारा कट जाएगा, तो ये ज्यादा एरिया दिखाता है, तो हम ज्यादा पीछे का ज्यादा एरिया देख पाते हैं, इसलिए हम रियर व्यू मिरर, साइड व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर बोथ आर कॉन्वेक्स। चलो आगे बात करते हैं भाई साहब, शॉपिंग मॉल में आपने इस तरह के
देखे होंगे, शॉपिंग मॉल में भी कस्टमर्स पर नजर रखने के लिए शॉपिंग मॉल में या बड़ी बड़ी शॉप्स में कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है कस्टमर की एक्टिविटी को देखने के लिए। रीजन, क्योंकि इसका फील्ड व्यू एरिया लार्ज होता है, ज्यादा एरिया दिखा सकता है। छोटा सा मिरर बहुत ज्यादा एरिया दिखा रहा है, देखो ना कितना सारा एरिया दिखा रहा है ये, एक छोटा सा मिरर, छोटा सा है साइज में, बहुत ज्यादा एरिया दिखाता है। तो छोटे से मिरर से हम ज्यादा एक्टिविटीज लोगों की देख पाते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर में इसे यूज करते हैं, क्योंकि इमेज छोटी बनाता है बकायदा, लेकिन ज्यादा एरिया दिखा देता है, ज्यादा कस्टमर हमें दिखा देते हैं। कैमरा भी तो हमारा यही काम करता है, कैमरा भी हमारा इस तरह का होता है, वो भी कॉन्वेक्स होता है शेप में कैमरा भी, ताकि ज्यादा रीजन देख पाए, ज्यादा एरिया हम देख पाए। छोटा सा कैमरा देखो पूरे रूम का रीजन दे देता है, क्योंकि फील्ड व्यू एरिया उसका ज्यादा है। तो शॉपिंग मॉल्स में इसे यूज किया जाता है, बड़े बड़े शॉप्स में इसे यूज किया जाता है। आगे देखो, अच्छा शार्प टर्न्स में, जो मैं भी बता रहा था आपको, देखो यहाँ टर्न्स है, ये टर्न है यहाँ पे, तो यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ताकि जो इधर से आ रहा है ना उसको दूसरी साइड वाला व्यू दिख जाएगा। ये देखो जैसे मैं इधर से आ रहा हूँ तो मुझे ये व्यू दिख जाएगा कि भैया उधर से गाड़ी आ रही है, तो मैं सचेत हो जाऊंगा पहले से, एक्सीडेंट नहीं होगा ना, मुझे पता होगा उधर से गाड़ी आ रही है। तो हर शार्प मोड़ जहाँ होता है, शार्प टर्न जहाँ होता है, वहां पर एक्सीडेंट ना हो इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया जाता है, दिख जाएंगे आपको, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो। इधर से आने वाले को उधर का व्यू दिखता है, उधर से आने वाले को इधर का व्यू दिखता है, दोनों साइड का व्यू मिरर में दिखता रहता है, जिससे एक्सीडेंट नहीं होते, हम पता लग जाता है भैया उधर से गाड़ी आ रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर भी आप इसे यूज करते हो। अगेन रीजन, लार्ज फील्ड व्यू एरिया, फील्ड व्यू एरिया लार्ज होता है इसका, ज्यादा फील्ड दिखाता है, बहुत ज्यादा रीजन दिखाता है, ज्यादा एरिया दिखाता है। ठीक है, तो ये हमारे यूजेस थे कॉन्वेक्स मिरर के। आई होप आपको बहुत अच्छे से सब चीजें क्लियर हो गई होंगी, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और अगर कोई डाउट अब पर आपको है, कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज कह सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करूंगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूं तो आपको वो वीडियो सबसे पहले मिले। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे इसके आगे, रिफ्लेक्शन पे और बात करेंगे, रिफ्लेक्शन पे और न्यूमेरिकल्स हम करेंगे लास्ट क्लास। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू बच्चों।